नमस्कार, मैं कविता अग्रवाल आपके अपने शो कविता दशरथ में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं बेग बनाने जा रही हूँ। ये वेज बेग्ड है। इसको इसको बनाने के लिए हमें सामान की जरूरत पड़ेगी। 1 टेबल स्पून बटर, 1 टेबल स्पून रिफाइंड ऑयल या ऑलिव ऑयल भी आप ले सकते हैं, और 2 टेबल स्पून मैदा, 1 चीज़ क्यूब, 1 टीस्पून व्हाइट पेपर पाउडर। ब्लैक पाउडर से थोड़ा सा इसमें कालापन आ जाता है, इसलिए व्हाइट पेपर पाउडर हम डालेंगे। 2 कप हमने सब्जियां ले ली हैं, जिसमें मैंने गोभी ले ली है, उसके छोटे छोटे प्रोलेट्स काट लिए हैं, गाजर है, बीन्स है, मटर है। तो 2 कप में आप 1/4, हाफ हाफ कप आप सब वेजिटेबल्स ले सकते हैं, और इसमें कोई वेजिटेबल्स आपको पसंद नहीं है तो उनको अवॉइड कर सकते हैं। इसमें साथ में आप पनीर भी डाल सकते हैं, कॉर्न डाल सकते हैं, आपकी जो भी फेवरेट सब्जी है आप उसमें ऐड कर सकते हैं। और 2 कप ऑफ मिल्क ले लिया है। इसको बनाने के लिए दो पैन ले लेंगे और इनको ऑन कर देंगे, गैस ऑन कर देंगे। एक पैन में हम ये सब्जियां, हमने मिक्स सब्जियां काटी हुई हैं, इनको रख देंगे और 1 कप पानी डाल देंगे। इसमें अब हम नमक डाल देंगे थोड़ा सा, इसको बॉईल करने रखेंगे। इस बीच हम दूसरे फ्राई पैन में, जिसको हमने गरम कर लिया है, पहले हम रिफाइंड ऑयल डाल देंगे और इसमें अब हम बटर डाल देंगे। इसको प्योर बटर में भी बना सकते हैं, पर बटर जलता जलता बहुत जल्दी है, तो थोड़ा सा अगर हम रिफाइंड ऑयल डाल देंगे तो अच्छे से हमारी बेग बनेगी। देखिए बटर हमारा मेल्ट हो जाए तब तक हम इसमें अब हम मैदा डाल देंगे। मैदा को हल्का सा भून लेंगे। मैदा हमारी भून गई है। मैदा में डायरेक्ट अगर हम दूध डालते हैं तो कई बार इसमें लम्ब्स आ जाते हैं या गांठ सी पड़ जाती है, तो हम इसमें एक काम कर सकते हैं कि थोड़ी सी वेजिटेबल्स हम इसमें से ले लेंगे, जो सब्जी हमने बॉईल की हुई है। और इसको इसमें हम इस तरह से कर देंगे। अब इसमें हम दूध डालेंगे, तो ये दूध डालते वक्त थोड़ा मिलाते जाइए, इसमें कोई भी लम्ब्स नहीं आएंगे। बस इसको ध्यान रखिए, पूरा दूध डालने से पहले आप थोड़ा थोड़ा दूध डालिए और हिलाते रहिए लगातार। ये देखिए कोई लम्ब्स नहीं आए हैं हमारे इसमें। पर इसको हम लगातार चलाते रहेंगे खोल आने तक। ये देखिए हमारी बेग्ड की जो ग्रेवी है, ये व्हाइट सॉस है हमारी, अब गाढ़ी होने लगी है। इसमें अब हम व्हाइट पेपर पाउडर डाल देंगे। ये भी और थोड़ी सी खौलाएंगे, इसकी जो कंसिस्टेंसी होनी चाहिए थोड़ी सी मिल्क मेड जैसी होनी चाहिए, तो अभी ये थोड़ी सी कम है, इसको हम खौलाएंगे तो ये सही हो जाएगी बिल्कुल। व्हाइट व्हाइट सॉस हमारी कई चीज़ों में तैयार होती है, जैसे हम कटलेट कई बार बनाते हैं व्हाइट सॉस के, या बेक्ड बहुत सारी बनती है व्हाइट सॉस से, तो व्हाइट सॉस से बहुत सारे आइटम बनते हैं, पास्ता भी बनता है। तो बेसिक ग्रेवी व्हाइट सॉस की ये वाली होती है। अभी तक हमारी सब्जियां बॉईल हो गई हैं। इन सब्जियों का पानी हम स्ट्रेन कर देंगे। ये देखिए हमने सब्जियां स्ट्रेन कर ली हैं। अभी सब्जियों को इसमें डाल देंगे। इस सब्जियों का जो पानी था इसको हम फेंकेंगे नहीं, हम सूप बनाएंगे या कोई भी आटा लगा रहे हैं उसमें डाल सकते हैं। ये स्टॉक का काम करता है, जैसे हम सूप बनाते हैं उसमें स्टॉक डालते हैं,
ये सब्जियों का जो वाटर निकला है उसको हम सूप में यूज कर सकते हैं। अब इसमें हम थोड़ा सा नमक डाल देंगे, सब्जियों में पहले से हमने डाला हुआ है, थोड़ा सा नमक डाल देंगे। ये देखिए हमारी व्हाइट सॉस की बेग्ड तैयार हो गई है। अब इसको हम बेक करेंगे। ये देखिए इसकी ये कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, ये देखिए अब बिल्कुल सही है कंसिस्टेंसी। अब बेक करने के लिए पहले हम माइक्रोवेव बोल ले लें। ये देखिए इसमें हम इस तरह से डाल देंगे। और इसके ऊपर अब हम चीज ग्रेट कर देंगे। इसको हम माइक्रोवेव में या ओवन में लगाने से पहले हम प्री हीट करेंगे 5 मिनट्स के लिए, और उसके बाद हम इसको बेक करेंगे। हमने ओवन को या माइक्रोवेव को प्री हीट कर लिया था, उसके बाद हमने 5 मिनट के लिए बेक हमने बेक करने लगा दी थी। उसके बाद मैंने देखा बेक थोड़ी सी कम हुई थी तो 5 मिनट के लिए मैंने और लगा दी थी। अब देखते हैं बेक तैयार हो गई है कि नहीं। देखिए बेक बन चुकी है। कुल इसको टाइम 5 10 मिनट लगे हैं बेक बनाने में। माइक्रोवेव में हम वैसे भी 10 मिनट लगातार नहीं रखते हैं तो बेक जल जाएगी। आप 5 मिनट के लिए बेक लगाइए, उसके बाद फिर उसको एक बार निकालिए और फिर 5 मिनट के लिए फिर से लगा दीजिए। तो बेक हमारी तैयार हो चुकी है, बहुत ही टेस्टी बनी हुई है। कैसी लगी आप बताइएगा ज़रूर। मेरी ईमेल आईडी कविता द शेफ़ @gmail.com में। नमस्कार।